पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों से मारपीट की घटना के बाद राजधानी के डॉक्टर भी नाराज हैं। घटना को मुद्दा बनाकर लखनऊ में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की। डॉक्टरों का कहना है कि वेस्ट बंगाल हो या फिर कहीं अन्य की बात हो, जिस तरह से डॉक्टरों पर हमला हो रहा है यह बेहद ही चिंता की बात है। सभी ने एक सुर में सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की है। इतना ही नहीं, अपनी सुरक्षा को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने राज्यपाल राम नाईक को एक ज्ञापन देने की बात भी कही है। इस दौरान घटना के विरोध में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज जताया। हालांकि डॉक्टर काम पर ही रहे और किसी तरह की सेवा बाधित नहीं होने दी। देखिए, यहाँ पे आरएमएल के सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स एक पीसफुली मीटिंग कर रहे हैं, अपना विरोध दर्शा रहे हैं। जो भी कोलकाता में घटना हुई है उसके अगेंस्ट यहाँ पे किसी ने कोई इमरजेंसी सर्विस बंद नहीं करी है, सारा काम अपना नॉर्मली चले आ रहा है। हम बस पीसफुली अपना एक मीटिंग कर रहे हैं। हम पीसफुली ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांगली विरोध कर रहे हैं उसका, जो घटना हुई है, बिकॉज ये काफ़ी बार हो चुका है हमारे देश में और कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। जनमत न्यूज़ के लिए लखनऊ से विनय मिश्रा की रिपोर्ट।